हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडीहट। एंड आज हम रिव्यू करेंगे न्यू पेप्टिन ड्रॉप के बारे में, क्या इसके यूज़ है, क्या डोज है एंड क्या साइड इफ़ेक्ट है, सब कुछ जानेंगे आज हम इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब भी कर लें। तो बात करते हैं हम न्यू पेप्टिन ड्रॉप के बारे में। न्यू पेप्टिन जो कि इसका ब्रांड नेम है एंड कंपनी की बात करें हम तो ये कंपनी होती है रेप्टोकिस एंड ब्रिफिट करके कंपनी होती है जो कि इसको प्रोडक्शन करती है। एंड अब हम बात करते हैं इसकी एमआरपी की कि इसकी मार्केट कॉस्ट प्राइस कितनी है। तो ये आपको 100 रुपये की आपको 15 ml की छोटी सी बोतल मिल जाती है। एंड बात करते हैं इसकी यूज़ के बारे में कि इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर किसी भी बच्चे को स्टोमच से रिलेटेड यानी पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो वो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये पेट से रिलेटेड इन्फेक्शन हो या गैस बन रही हो तो उसी स्थिति में ही डॉक्टर आपको लिखता है। अब बात करते हैं हम यूज़ के बारे में। इसको ज़्यादातर पीडियाट्रिक डॉक्टर ही इसका यूज़ करते हैं। जिन बच्चों में लगता है कि बच्चे के पेट में गैस बन रही है या कोलाइटिस पेन हो रहा है या दूध पीने के बाद बच्चा चिड़चिड़ा से रहता है या दूध पलट देता है या बच्चे में डाइजेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है तो उस स्थिति में ही डॉक्टर आपको ये रिकमेंडेड कर सकता है। अब जो है ये जो है एक एंजाइम सिरप होता है, यानी इसके अंदर कार्बोनेटिव ऑयल और डील ऑयल पाए जाते हैं जो कि बच्चे के डाइजेशन को ठीक करने में सहायता करते हैं। ये कार्बोनेटिव ऑयल और जो डील ऑयल होते हैं, ये जैसे हम अजवाइन वगैरह लेते हैं या जीरा लेते हैं तो हमारे अंदर तो डाइजेशन ढंग से हो जाता है, पर छोटा बच्चा अजवाइन या जीरा वगैरह नहीं ले पाता तो इसके लिए ही ये बनाई जाती है। कार्बोनेटिव और डील ऑयल, ये जो है एक तरीके से आप इसे अजवाइन और जीरा ही मान सकते हैं। और इसका यूज़ जो है हम केवल न्यूबॉर्न बेबी से लेके 6 महीने या 8 महीने तक के बच्चों में ही हम करते हैं। और इसका यूज़ जो है हम जब भी कर सकते हैं, अगर बच्चे को भूख नहीं लग रही है या बच्चे के पेट में गैस बन रही है या कब्ज है तो इन सभी स्थिति में ही हम दे सकते हैं। अगर बच्चे की पोटी बहुत ज़्यादा टाइट आ रही है तो उस स्थिति में ही आपको डॉक्टर ये लिख सकता है। यानी इसका हम बात करें कंक्लूजन के बारे में, यानी इसका मेन यूज़ क्या है। तो जो इसका मेन यूज़ है, ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अब बात करते हैं इसकी डोज़ के बारे में कि इसकी डोज़ हम कितनी कितनी ले सकते हैं। डोज़ में आपको जो है केवल आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही डोज़ लें। एंड क्योंकि बच्चों का वेट कुछ हो सकता है एंड बच्चे की एज कुछ और हो सकती है तो आप एक बार होगा कि आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें एंड उसके बाद ही ये लें। वैसे ज़्यादातर इसको डॉक्टर सुबह शाम ही लिखता है। एंड अब बात करते हैं हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। बच्चे को थोड़ी घबराहट हो सकती है, वो साइड इफ़ेक्ट केवल जब भी हो सकते हैं या तो आपने बच्चे को ज़्यादा मात्रा में दे दी हो तो ये जब भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, या कभी कभी 10 में से केवल 1% बच्चे को ही कभी कभी ये दिक्कत हो सकती है, या बच्चे को लूज मोशन हो सकते हैं या घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है। तो आप इस स्थिति में तुरंत आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। एंड बात करते हैं इसकी प्रिकॉशन के बारे में कि हमें सावधानियाँ क्या क्या रखनी चाहिए। एक तो सबसे पहले आप जब भी कोई भी दवाई दे रहे हो तो एक बार उसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक कर लें कि वो ठीक है या नहीं। एंड एक बार जब भी आप इसको बच्चे को दवाई पिलाएं तो एक बार इसकी अच्छे से सील बंद कर दें जिससे कि इसके अंदर मॉइस्चराइज़र ना जा पाए। और मैंने आपको इसके यूज़ बता दिए, डोज़ बता दी एंड साइड इफ़ेक्ट बता दिए। अगर आपको अब भी कुछ और जानना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको जिस मेडिसिन के ऊपर भी वीडियो बनवानी हो तो आप मेरे को एक बार नीचे कमेंट कर दें, मैं उसकी भी प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।